Now we can plot all basis function in one place. So phi 1 of t is this, phi 2 of t is this, phi 3 of t is this, and phi 4 of t is this. Now some questions for assignments. So question number 1, the same procedure is there. So it is easier as compared to previous. Only three figures are there, three signals are there, x1, x2, x3. And another question, similar question is there, and fourth question. Okay, these are very important, just practice it. Now next topic is probability of error. So probability of error is what is the probability of error? That is when a signal is received at the receiver side. So if the transmitted signal and received signal are not same, so there will be error. So probability of that thing is probability of error. So what is that thing? So so we are having for example, if you are having z number of signals are there, so if we partition the complete observational vector, that is at the receiver side, at the receiver side, okay, so if we partition into z spaces, so kab hoga, yani ki error kab hoga, when the signal mi is transmitted एंड ऑब्जर्वेशन वेक्टर क्या आपका एक्स है, मतलब एस आई भेजेंगे लेकिन एस आई आपको रिसीव होना जरूरी नहीं है, वो हो सकता है कि वो एक्स हो, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, मतलब इफ वी ट्रांसमिटेड एस वन ऑफ टी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एस वन ऑफ टी इज रिसीव्ड, इट इज बिकॉज ऑफ चैनल एरर, ठीक है, एरर का क्या सर है, सिर्फ चैनल की वजह से, बाकी जितनी भी चीजें होती है ट्रांसमीटर रिसीवर में अगर वो पूरा परफेक्ट है, सो चैनल में ही गड़बड़ रहती है, सो वी हैव टू अज्यूम समथिंग, सो ऑब्जर्वेशन वेक्टर विल बी एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है, मतलब एक सिंबल एक टाइम पे हम एक ही सिंबल भेजेंगे लेकिन जो एरर हैगा वो सभी के हिसाब से आएगा, क्योंकि एस वन ऑफ टी भेजे लेकिन आपको एस वन ऑफ टी नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल एस वन ऑफ टी भेजा, अगर हमको एस वन ऑफ टी नहीं मिला है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या रहेगा, ठीक है, सो उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है विच इज द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज दैट एक्स डज नॉट लाई इन द रीजन जेड आई व्हेन एम आई इज सेंट, इसको हम कहता पढ़ेंगे समेशन इक्वल टू फॉर समेशन फॉर ऑल द सिग्नल्स दैट इज इक्वल टू 1 टू एन पी आई पाई आई पाई आई पाई आई इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी एक्स बार डज नॉट लाई इन द रीजन जेड आई, ठीक है, एस वन ऑफ टी भेजेंगे जेड वन में नहीं आएगा, एस टू ऑफ टी भेजे एस टू ऑफ टी जेड टू में नहीं आएगा, सो एम आई इज सेंड, अगर हमने मैसेज सिग्नल एम आई भेजा है तो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर दैट द सिग्नल एम एम आई या एस आई ऑफ टी, ठीक है, वेयर पी आई इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सो इफ यू अज्यूम दैट ऑल द सिग्नल्स आर इक्वी प्रोबेबल, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, सभी 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 की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीवनेस इज सेम, देन द प्रायर प्रोबेबिलिटी विल बी वन बाय एम, ठीक है, जैसे अगर दो सिग्नल रहेंगे तो प्रायोरिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगे वन बाय टू, ठीक है, तीन सिग्नल रहेंगे तो वन बाय थ्री, फोर रहेंगे तो वन बाय फोर, सो इसको क्या बोलेंगे सिग्नल्स आर इक्वी प्रोबेबल, ठीक है, मतलब वो इक्वल प्रोबेबिलिटी से वो सेंड और रिसीव हो रहे, ठीक है, सेंड हो रहे, एक्चुअली सेंड होने के लिए हम प्रायर प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, ठीक है, सो द प्रायर प्रोबेबिलिटी विल बी वन बाय वन, वन बाय एम, सो सब्स्टिट्यूट हेयर, सो वन बाय एम इज द कॉन्स्टेंट, सो इट विल बी आउट ऑफ समीशन साइन, सो अगेन द सेम थिंग प्रोबेबिलिटी दैट एक्स डज नॉट लाई इन द रीजन जेड आई व्हेन एम आई इज सेंड, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से दैट नॉट की जगह हम अगर यस कर देंगे, ठीक है, दैट इज वन माइनस दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वन माइनस दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन जेड आई इज सेंड, एक्स बार लाई इन द जेड आई when am I sent, ठीक है, वन माइनस दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सो इट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी वन माइनस वन अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू वन टू एम प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार लाई इन द रीजन जेड आई वेन एम आई सेंट, ठीक है, सो एक्स बार जो आपका स्मॉल एक्स बार, अगेन इट इज द डमी वेरिएबल विच इज द सैंपल वैल्यू ऑफ एक्स बार इज द होल वैल्यू, हम जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था रैंडम वेरिएबल के बारे में, तो इट इज दैट रैंडम वेरिएबल एक्स बार, बार क्यों लिखे बिकॉज ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ये हमारा ये वेक्टर है, एक्स में कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक्स क्या इट इज कम्प्लीटली सेट ऑफ सिग्नल्स एस वन ऑफ टी एस टू ऑफ टी एस थ्री ऑफ टी सबकी जो उसमें जो उसने रैंडम वेरिएबल जो उसने अज्यूम किया था एस वन ऑफ टी एस टू ऑफ टी सभी का वो उसमें वैल्यू है ये, ठीक है, उसमें से कोई सैंपल वैल्यू ये स्मॉल एक्स बार है, ठीक है,
So we can rewrite above probability. इसको हम कैसे ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ